आज फाइनली शायद हमारा टीवी चल जाएगा, क्योंकि भैया आए हैं, नया सेटअप बॉक्स लगा है इसमें, क्योंकि हमारा ये पुराना टीवी था, इसमें सेटअप बॉक्स इंक्लूड था, तो अभी नया सेटअप बॉक्स लगा है। खर्चे पे खर्चे आ रहे हैं, एसी ठीक नहीं हुआ है, एसी को भी ठीक करने वाले आने वाले हैं। और फाइनली आज हमारा टीवी ठीक हो गया, पूरे कितने दिन बाद, कम से कम एक महीना तो नहीं हुआ है, 10-15 दिन हुए हैं। आज टीवी चलने की बहुत ज़्यादा खुशी है सभी को, बच्चों को, लेकिन एसी वाले आए थे बहुत दिनों बाद, तो और उस टाइम लाइट नहीं थी, वो भाग गए, और उसके बाद हम फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं, नो रिस्पांस। इतनी तेज़ गर्मी हो रखी है, ऊपर से हमारी एसी ने भी जवाब दे दिया। और अभी बच्चों के लिए क्या बन रही है, मैं ये मसाला चाट रहा है, छोरा मारा छोरा मसाला चाटा है छोरे, मसाला क्यों चाटा है तू, मजा आता उबल के इसका पानी बाहर ना जाए, पानी बाहर आ गया तो फिर बचेगा क्या, है ना, क्योंकि मसाला तो पानी के अंदर ही है, मैगी का मसाला बहुत टेस्टी लगता है। आज हमारे बच्चों को रिलैक्स मिला है पहली बार, हाँ सही से गोलू सही से बिठाइए भाई ने, और टीवी देखते देखते आज खा रहे हैं ये मैगी। कितने दिनों बाद टीवी ठीक हो गया आज इनको। और आज एक और भी बात है, तुम्हारे सारे फेवरेट चल रहे हैं ना, सारे फेवरेट चैनल चल रहे हैं, क्योंकि एसडी वाले पैकेज ऑन है अभी। अभी हमने कर दी है कढ़ी की तैयारी, चाय पी ली है, आज बनेगी घर में कढ़ी, और दीदी बनाएगी कढ़ी स्पेशल वाली। और हमारे केला देखो बिल्कुल फ्रेश है, दिल्ली में मैगी बनाई थी ना। हाँ ये देखो, ये मैंने आपको कल भी वीडियो में दिखाई थी, गीले कपड़े में बांध के रखी हुई है, बिल्कुल सही केला है, बिल्कुल ताजा ताजा। तो अगर आप केला ले आए तो इस तरीके से रखो, है मत बता इसको, यू सीक्रेट क्या बता रहा है, मैगी खा गया केला बना। मैगी रोज खाते हैं तुम्हारे जाने के बाद, एक दिन पहले भी खाई थी, आज भी खाई, खानी है तुम खानी है। चावल कितने वेस्ट कराए ना, कल दिए ना आज दिए, कितना लूंगा भरा भरा, फ्रिज में भी चेक कर लिया ना सामान करते, चावल का नहीं याद रहा भाई, चेक करना चाहिए ना घर में सामान है क्या क्या देना। और बल्कि मेरे को तो ये भी नहीं ध्यान रहा, खीर ही ना दे देते, पर ये जिद पकड़ ली थी कि माम ने खाने खाने चावल दे देती है, वो देख कितने गाय को जाएंगे, कितने महंगे वो चावल रखे मेरा, इसलिए खून मिल रहे हैं। और इसमें हमने एक ठोक लगाया है मेथी का, जीरे का, और सबसे पहले हमने डाले हैं लहसुन और मिर्ची। बोल, आपके पास आंखें हैं? मेरे पास दो आंखें हैं। तो चप्पल सामने पड़ी थी? हाँ, मैंने आज हनी की चप्पल पहन रखी है, जैसे वो मैंने जानबूझ के पहनी थी, चल झाड़ू निकाल ले, तेरे सामने आ गई, चेंज कर ले, चल बताओ चप्पल के लिए मरीज आ रही है। और हमने अब डाल दिए प्याज, मैंने तो तेरी चप्पल अच्छी भी नहीं लगी हनी, क्योंकि है ना चौड़ी वादी की है, मेरे को पतली वादी वाली चप्पल अच्छी लगती है, मेरे को चौड़ी अच्छी लगती है, ये मम्मी ने पहन कर सकते छोड़ी। अच्छा, मैं एकदम से चुपके से हनी भी ट्यूशन पे जाती है ना, हनी ना मैं नहीं जाती, टेस्ट कब है, सैटरडे को देखो। अच्छा हाँ, ये बोली वो ये देखो, यहाँ पे घोल तैयार हो गया, बेसन का दही का, और इसमें हमने मसाले डाल दिए हैं, हल्दी नमक मिर्च, अब इसमें डाल देंगे और कड़ी बन के हो जाएगी तैयार, सिंपल है ना, सीख लिया ने। और एसी ठीक करने वाले आ ही गए भैया, शाम हो चुकी है, शाम को आए, आज हम सोच रहे थे आज नहीं आएंगे, दोपहर में भी आए थे, दोपहर में आए थे पर लाइट नहीं थी, और अभी लगे हुए हैं कूलिंग देख रहे हैं, एक तो कूलिंग की दिक्कत आ रही थी, और एक उसमें दिक्कत है बहुत बड़ी वाली, वो दिक्कत है कि ऑन ऑफ हो जाता है, ऑटो ऑन ऑफ होता है। आज क्या हुआ वो बता दे बेचारा, और हाँ आज बता, बहुत भारी मर गया, ये मर गया ये मेरा सब, मेरा फेवरेट फोन सैमसंग का, मेरा भी फेवरेट आई जब से मेरे पास रहता था ये फोन, ये हनी इसको आई जब से हनी के पास है, और हनी की इसमें इंस्टाग्राम आईडी लॉगिन थी, और अब इसको ये रात को देखती थी सोते टाइम, कम से कम 10-10:30 बजे तक ये फोन इसके हाथ में रहता था, अब ये बेचारी बिना फोन के ही सोएगी, बिना फोन देखो ऑन ही नहीं हो रहा है, ऑन तो क्या इसके स्क्रीन टूट गई, ऑन तो होता है इसके ऊपर, ये हल्की सी देखो डॉट दिखती ना, तो ये ऑन तो हो रहा है, लेकिन है ना इसकी स्क्रीन टूट गई, और टच इसके अंदर ही था, अब स्क्रीन भी इसकी शायद 7-8 हज़ार रुपये तक की स्क्रीन डलेगी, सैमसंग की ओरिजिनल डलवाएंगे तो, और
आज तो मतलब पूरा दिन से इतना दिमाग खराब था इस फोन की वजह से। और ये फोन पता किसने तोड़ा? कुंजिका ने, और युक्ति और कुंजिका की लड़ाई हुई थी, ऐसे फेंक के मारा, फोन तोड़ दिया मेरा। देखो उस बेड पे निशान, अभी भी निशान भी है, इस बेड पे जाके लगा था धाड़। तो एक बार वापस फेंक दो ना। और वो युग बच गया, युग हट गया, युग के मार रही थी, और अगर युग के सर्वर में लगता तो उसका सर भी गया था। मुझे इतनी तेज मारा, बच्चों की लड़ाई कितनी खतरनाक लड़ाई होती है। आज का स्टोरी कैसे लगाऊंगी? अभी स्टोरी में नहीं लगा सकते। चलिए, इसमें भी इसकी आईडी लॉगिन है, तो ये इस फोन को अब इस फोन को लेके यूज करेगी। आते ही सबसे पहले इसने ये फोन उठाया और मैं ढूंढ रही फोन कहाँ गया। और फाइनली ए सी चल गया है, लेकिन ये नहीं पता ये कब तक चलेगा। और साथ में टीवी भी चलाने की खुशी देखो बच्चों पे। और आप सिंचन नहीं चलेगा, क्यों डरा दिया है इसने आने को? प्रिंस खो गया, अब हम प्रिंस को ढूंढने आए हैं। ये रहा प्रिंस ना। ओ भाई, बोर्ड टूट जाओगे, फाट जाओगे, बोर्डा मत खेल, कागज से खेलना लग रहा है, इसका फेवरेट गेम। ये देखो देखिए, अरे भाई गिर जाओगा, काम मत कर, गिर जाएगा प्रिंस, ये लोहे का है, दब जाएगा। आजा, बता इनके पीछे छुपा है। आजा आजा, जल्दी आजा, रहने देना साइकिल ने, रहने देना। हाँ मम्मी, अब तो एसी सही चल रहा है, इनने तो हाथ भी ना लगाया, कुछ ना करा। और सच में बाप जाके देख लो, और बहुत ठंडा हो रखा है कमरा, जाके चलो देखो, बहुत ठंडा हो रहा है। कड़ी बन के तैयार है, ये देखिए, वाओ। और अब हम चावल बनाएंगे, आज कड़ी चावल खाएंगे मस्त वाले। अरे क्या हो रहा है ये? चुप हो गया। हम सब एसी के इंतजार में यहाँ सब खिड़की दरवाजे बंद करके बैठे हैं, लेकिन हमारा एसी खराब हो गया, नहीं चला। ओ भैया आए थे, वो देख के चले गए, तब भी हमारा एसी नहीं चला। भाई ये एसी है, ऐसे है कि जैसे हम डॉक्टर को देखकर ठीक हो जाता है, ये एसी के मैकेनिक को देखकर ठीक हो जाता है, बाद में फिर खराब हो जाता है। और अब फिर हमें गर्मी लग रही है बहुत तेज, और क्या बताएं, इस एसी का तो कोई जुगाड़ ही नहीं हो रहा। मैकेनिक आके देख के चले जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते। कल सुबह वो भैया कह रहे हैं मैं कल सुबह आऊँगा, और कल सुबह हम देखेंगे। तो हाँ, मैं ना कल सुबह इसकी पीसीबी चेंज करा लेंगे। और इसका देखो रिमोट की भी क्या है, कुछ नहीं दिखाई देता, फिर भी हम यही रिमोट यूज करते हैं। और आज गोलू की और हनी की बहुत अच्छी दोस्ती हो रखी है, और गोलू की मम्मी बन गई है, परेशान हो गई, मेरे को कोई पछाला। गोलू की मम्मी है हनी आज से। तो आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, कल मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय।